Hello friends, good morning friends. आपका मेरे YouTube चैनल सितंबर शिल्पी में बहुत बहुत स्वागत है friends. आज मैं LTGrad से संबंधित लेटेस्ट खबर लाई हूँ. बिल्कुल friends, अमर उजाला में निकला है कि LTGrad शिक्षक भर्ती टलने के आसार हैं. 6 मई को प्रस्तावित है परीक्षा. ओवर एज अभ्यर्थियों से भी लेना होगा आवेदन. तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 6 मई को प्रस्तावित LTGrad भर्ती परीक्षा टलने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं. ओवर एज अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है. हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास इंटर में संस्कृत नहीं था उनका आवेदन भी स्वीकार किया जाए. इस पर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है. LTGrad शिक्षक भर्ती के लिए 2016 में विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए गए थे. इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था. अब यह परीक्षा 2 साल बाद कराई जा रही है. इन दो वर्षों में बहुत से अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 40 को पार कर चुके हैं. हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन किए जाने का आदेश दिया है. इसके अलावा हिंदी विषय में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यह मांग कर रहे थे कि इंटर में संस्कृत विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए. हाईकोर्ट का आदेश है कि जिन अभ्यर्थियों के पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था उनका आवेदन स्वीकार किया जाए. आवेदन की तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी. आयोग ने अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है. आयोग आवेदन की तिथि बढ़ाता है या नहीं इस निर्णय पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य निर्णय लेंगे. परीक्षा 6 मई को प्रस्तावित है. आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य मुद्दों का आयोग की बैठक में निर्णय लिया जाएगा. फ्रेंड्स, आज के लिए यही ताज़ा खबर है LTGrad से संबंधित. और इससे बस यही पता चलता है इस न्यूज़ से कि आपका पेपर तो 6 मई को होना है. ठीक है, अब देखते हैं कि आवेदन की तिथि बढ़ती है क्या होती है. अगर आवेदन की तिथि बढ़ेगी तो पेपर कैंसिल हो सकता है 6 मई को, वरना 6 मई को ही पेपर है. आप लोग उस हिसाब से तैयारी करिए. आज के लिए बस इतना ही. और LTGrad से संबंधित सभी जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक